तो अब हम लोग जो है वो यूनिट 1.3 आज से हम लोग शुरू करेंगे। 1.1 एवोल्यूशन ऑफ योग एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ योग, वी हैव कंप्लीटेड दैट। एंड 1.2 योग प्रेयर, वी हैड आल्सो कंप्लीटेड दैट। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर 1.3, राइट? दैट इज द मायोपिक विजन ऑफ योग। मायोपिक विजन, मायोपिक कहते हैं मीन्स बहुत लिमिटेड क्षेत्र में देखना, इसको बोलते हैं मायोपिया। जो शॉर्ट साइटेडनेस होती है, जो करीब का आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है? नहीं, उसी से ये वर्ड बना है मायोपिक। मायोपिक मतलब आपको कोई चीज बहुत छोटे लेवल पर दिखाई दे रही है और उसका जो ओरिजिनल पार्ट है वो ओरिजिनल पार्ट आपकी आंखों से मिस हो रहा है, राइट? इसको जो है वो मायोपिक विजन को टनल विजन भी बोलते हैं। टनल विजन मतलब जैसे टनल में आप मुंह लगा करके देखो तो आपको जो है वो दूसरा क्या दिखाई देता है, सामने, मीन साइड से कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, और आपको जो है वो दूसरा एंड जो है जहां से खुल रही है वो बस उतना हिस्सा आपको वहां पे भी दिखाई देगा। तो लिमिटेड इधर का भी हिस्सा दिखाई दे रहा है और लिमिटेड उधर का भी हिस्सा दिखाई दे रहा है। टनल के आसपास का एरिया चाहे कितना खूबसूरत हो, क्या चाहे कैसा भी हो, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको टनल विजन भी बोलते हैं। तो योग की मायोपिक विजन क्या है उसके बारे में हम लोग जो है वो थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन करेंगे, राइट? आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग, दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग, राइट? आइसबर्ग की खासियत होती है कि ये पहाड़ की तरह खड़ा होता है समुद्र में, पहाड़ होता है समुद्र का, और ये बर्फीला पहाड़ है, बर्फ का ढका हुआ, पूरा ढका हुआ नहीं है बल्कि बर्फ का बना हुआ है, बहुत सॉलिड होता है ये, ऐसे ही जैसे जमीन का पहाड़ होता है ऐसे ही सॉलिड है। टाइटैनिक इसी से टकराया था, इस पिक्चर से नहीं, मतलब आइसबर्ग से किसी से टकराया था, राइट? हमारे जो अर्थ पे भी पहाड़ होते हैं या समुद्र में पहाड़ हो, राइट, ये सब जो है वो कील की तरह गड़े हुए होते हैं, कील की तरह गड़े हुए होते हैं। कील की तरह गड़े होने का मतलब ये होता है कि आपको ऊपर से तो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, असल में तो कील का अंदर है पार्ट, और वो करीब 80% 90% अंदर होता है, और आपको 10% से 20% तक की कील ऊपर से दिखाई दे रही होती है बस, राइट? तो हमारे जो जमीन के पहाड़ है वो भी ऐसे ही होते हैं, पानी के पहाड़ है वो भी ऐसे ही होते हैं। जमीन के पहाड़ को माउंटेन बोलते हैं, पानी के पहाड़ को आइसबर्ग बोलते हैं। तो आप इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि नीचे जो है वो इसका मेन हिस्सा है, ऊपर जो है वो आपका छोटा हिस्सा है। यार इसका पेन काम राइट, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, तो इस वक्त जिस समाज में हम और आप रहते हैं उस समाज में जब भी योग का नाम आता है तो हमेशा जो है वो योग के नाम पर आसन, प्राणायाम यहाँ तक आता है, आसन और प्राणायाम। मोर देन 60% पॉपुलेशन की मायोपिक विजन योग को लेकर के यहीं तक है। कुछ लोगों को योग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी है तो वो क्रिया और मुद्रा भी जानते हैं, क्रिया और मुद्रा भी जानते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ी और जानकारी है तो वो थोड़ा वो ध्यान का नाम भी जानते हैं। तो यानी कि आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा और बहुत बोला तो ध्यान, राइट? अगर आपने अपने घर में किसी से कहा कि मैं आज से योग शुरू कर रहा हूं, तो घर वाले बाय डिफॉल्ट समझ जाते हैं कि अच्छा आप आसन और प्राणायाम करेंगे, राइट? या आपने ऐसा बोला किसी से अपने दोस्तों में, अपने समाज में कि मैंने जो है वो कल से आसन करने शुरू कर दिए, तो वो आपसे बोले चाहे ना बोले लेकिन दिमाग में बाय डिफॉल्ट एकदम से उसको जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो ये जाती है कि इसने योग करना शुरू कर दिया है, राइट? मेरा कहने का मतलब यह है कि आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, ध्यान, ये बहुत
लिमिटेड सेंस में हम जो है वो योग को इस्तेमाल करते हैं, योग को जानते हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं अपने सिलेबस में मायोपिक विजन ऑफ योग, टनल विजन है कि ऐसा करके हमने नाल लगा ली है घोड़े की तरह और बस अब हमको इतना ही सा दिखाई दे रहा है कि आसन प्राणायाम बस इतना सा है हमको और इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, राइट। जबकि योग जो है वो असल में तो वो कील की तरह गड़ा हुआ है, वो नीचे है जो हमारे आपके समाज में फ्लोट नहीं कर रहा ऊपर ऊपर। हिमालय पहाड़ चाहे कितना ही ऊंचा हमको दिखाई देता है लेकिन जितना ही ऊंचा भी है उसका 40 गुना नीचे जो है वो ज़मीन में धंसा हुआ है। ये हर पहाड़ के बारे में, हर पहाड़ की एनाटॉमी ऐसे ही है, राइट। आइसबर्ग की भी एनाटॉमी ऐसे ही है। इस वक्त आज की डेट में योग हमारे और आपके समाज में नहीं पूरी दुनिया में इंसानों के बीच में जो है वो इस आइसबर्ग की तरह ही योग भी प्रिवेल कर रहा है कि ऊपर जो है वो छोटा हिस्सा जो दुनिया को दिखाई दे रहा है सारा और पूरा का पूरा जो है वो नीचे की तरफ है, राइट। बहुत हैरत की बात है और बहुत आश्चर्य की बात है कि महर्षि पतंजलि ने जो है वो किसी एक आसन का नाम नहीं लिया है। आसन अगर इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो महर्षि पतंजलि आसनों के बारे में कुछ कहते ना, या कुछ नहीं कहते? कुछ तो कहते। जब वो योग का मींस सबसे पहली ट्रीटी लिख रहे हैं तो उनको तो आसन प्राणायाम क्रिया मुद्रा कुछ तो बोलना चाहिए था ना कि भाई ये आसन कर लो ये आसन कर लो। अच्छा, खुद बैठते होंगे वो आसन में, ऐसा नहीं कि वो आसन नहीं करते होंगे, लेकिन सिंस उनको रेस्ट ऑफ द योग मालूम था तो ओवरऑल योग के जो पिक्चर है, ओवरऑल योग की जो पिक्चर है उसमें आसन प्राणायाम मींस नहीं के बराबर है। आसन और प्राणायाम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके बगैर आप बॉडी को फिट नहीं रख पाओगे, लेकिन ओवरऑल योग के रिलेशन में उसके परिपेक्ष में उसके संदर्भ में जो है वो आसन प्राणायाम बहुत बिल्कुल नहीं के बराबर है, राइट। जिस तरीके से आइसबर्ग नीचे के मुकाबले में ऊपर नहीं के बराबर है, इसी तरीके से इसलिए जो है वो महर्षि पतंजलि ने किसी एक आसन का नाम नहीं लिया। योग सूत्र आप पूरी पढ़ डालिए, उन्होंने सिर्फ एक सूत्र में अपने सिर्फ एक शॉट में उन्होंने कहा कि सुखम आसनम स्थिरम, बस आसन कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कैसा स्थिर, सुख में होना चाहिए, बस बात खत्म। अब कौन सा आसन कैसा क्या है ना, पूरी दुनिया में एक बवाल कि ये भुजंग आसन और ये मत्स्येंद्र आसन और ये फलाना आसन, ये दिमाग आसन और ऐसे 84 लाख आसन, राइट। एक आसन का नाम नहीं लिया उन्होंने, आसन की एक कैरेक्टरिस्टिक बताई आपको, आसन की सिर्फ एक कैरेक्टर। प्राणायाम के बारे में कोई एक बात बोली है उन्होंने, कितने प्राणायाम किस किस तरीके से होंगे, जाहिर सी बात है महर्षि पता, मैं समझता हूँ ऐसा, हो सकता है आप इससे डिसएग्री कर जाइएगा, लेकिन अगर मतलब आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में, क्रिया के बारे में, मुद्रा के बारे में शायद महर्षि पतंजलि जितना अच्छा बता पाते उतना अच्छा कोई नहीं बता पाता, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उनको आसन प्राणायाम क्रिया मुद्रा इसकी हकीकत सच्चाई मालूम थी इन रिलेशन टू दी होल ऑफ दी आइसबर्ग, राइट। इसलिए जितनी उसकी जगह होनी चाहिए थी उन्होंने उतनी ही जगह दी उसको, पूरा योग डिटेल में बयान किया लेकिन जहाँ उसकी जितनी जगह होनी चाहिए थी बस उतनी जगह उसको दी अप्रोप्रिएट और उसके बाद नहीं दी उसको, बात खत्म। हाँ, आगे देने वालों ने फिर और भी दिया क्योंकि उन्होंने मेन पार्ट महर्षि पतंजलि ने बोल दिया, अब उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब आसन कितने तरह के होंगे तो उस पर मीन्स किसी कोई स्कॉलर उठा और उसने आसनों की एक तांता लगा दिया लाइन से, फिर कोई एक और उठा उसके बाद उसने उसमें भी आगे ऐड कर दिए, तो ऐसे करते करते बहुत सारे आपके पास हज़ारों आसन हो गए। मतलब ये प्रैक्टिस है समाज की, नॉलेज ऐसे ही आगे बढ़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज की, चूँकि हम लोग रहते हैं इस टाइम में, अगर हम लोग जो हैं वो आसन को, प्राणायाम को, क्रिया को, मुद्रा को अगर हम योग समझेंगे तो ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है योग का,
इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन छोटा, बहुत छोटा सा पार्ट है इन कंपैरिजन टू दी रेस्ट ऑफ द योग। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने भी, मीन्स उनको कहा जाता है योगेश्वर, मीन्स योगियों में सबसे ज्यादा पावरफुल योगी, योगियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योगी, योगियों के भी योगी, राइट, उनसे बड़ा योगी नहीं माना जाता भारतीय संस्कृति में, राइट। उनके नाम पर हमारे पास जो है वो श्रीमद् भागवत गीता है, राइट। श्रीमद् भागवत गीता में कितने आसन दिए हुए हैं? 1 भी नहीं दिया। भगवत गीत पढ़ लें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़िए, सब लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है वो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप पढ़ के देखें उसको, राइट। उसमें एक आसन के बारे में बताया है, नाम तब भी नहीं लिया, उसमें एक आसन के बारे में बताया है, कैसे बताया उसको, उसको बताया है समम काया शिरो ग्रीवम धारण्य चलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्च नवलोकयन। अर्जुन जी ने पूछा उनसे कि किस तरीके से हमें उसका ध्यान लगाना चाहिए, कैसे वो करना चाहिए, कैसे ये करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे पीछे से, राइट। तो कृष्ण जी ने उनको जो है वो बॉडी की एक कंडीशन बताई, आसन क्या होता है, बॉडी की कंडीशन, राइट। तो उन्होंने बॉडी की एक कंडीशन बताई, समम काया शिरो ग्रीवम धारण न चलम स्थिरा। समम कहते हैं एक समान, एक लाइन में, इसको संस्कृत में बोलते हैं समम। काया, काया बोलते हैं ट्रंक जिसको आप बोलते हो, समम काया शिरो सिर, ग्रीवम गर्दन, आपकी काया, आपकी गर्दन और आपका सिर, ये समम होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, समम काया शिरो ग्रीवम धारण्य चलम, धारण इसको धारण करो, इस समम को धारण करो, अचलम हिलना नहीं, स्थिर रखना, उन्होंने कहा ना वो स्थिरम सुखम, ऐसा बोला ना महर्षि पतंजलि ने, वही चीज वो यहां भी बोल रहे हैं, राइट। अचलम स्थिरम संप्रेक्ष, संप्रेक्ष कहते हैं देखने को, बहुत गौर से कोई चीज को देखने को, बहुत गौर से, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, जिसको हम लोगों ने बात करी थी ना सिग्नल ऑब्जेक्ट, उसमें कि बिल्कुल आंख छोटी हो जाए आपकी, इतना कंसंट्रेशन। संप्रेक्ष नासिक अग्रम, नासिक कहते हैं नाक को, अग्रम कहते हैं नाक के अगले भाग को, इस वाला पार्ट को, नाक के अगले भाग को बहुत गौर से देखना, समझ में आ रही है बात। संप्रेक्ष नासिक अग्रम, अच्छा सवाल यह हुआ कि किसकी नाक, दूसरे की नाक का अग्रभाग या मैं अपनी नाक, किस पे ध्यान लगाऊं, तो बताया स्वयं नासिक अग्रम, स्वयं खुद की नाक पर, दिशश्च नवलोकयन, और इस तरीके से देखना कि किसी और दिशा में मत देखना, इस तरीके से देखना किसी और दिशा में दिखाई ना दे। अच्छा उन्होंने, अभी मैं इसके उस पर नहीं जा रहा कि ये कौन से आसन के बारे में वो बात कर रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, उन्होंने एक बॉडी पोजीशन बताई, राइट। योगेश्वर, अगर आपको योगेश्वर जो है वो सिर्फ कोई एक ही बॉडी पोजीशन बताए, जबकि हैं आपके पास कई सौ, कम से कम 25 के तो नाम आपको याद होंगे एटलीस्ट, मतलब खोद खोद के निकालोगे तो 25 तो आराम से निकल जाएंगे, 7-8 तो यूं ही निकल जाएंगे, राइट। सोच सोच के 25 तक आपको याद होंगे, ठीक है। जो इसके स्कॉलर्स हैं उनको जो है वो, मतलब जो ठीक ठाक स्कॉलर हैं उनको जो है 100-125 आसन याद है, और जो उसके विकट के पंडित हैं आसन के उनको जो है वो 1,000 याद है, राइट। कोई बिरले ऐसा होता है जिसको इसके आगे के भी याद है, राइट। इतने हजारों आसनों में योगेश्वर जैसा योगी, योगेश्वर जैसा योगी सिर्फ एक आसन के बारे में बोले, अच्छा इसका मतलब जो है वो मीन्स आसन की इम्पोर्टेंस तो है,
अगर आसन की इम्पोर्टेंस नहीं होती, प्राणायाम की इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो महर्षि पतंजलि चाहे एक सेंटेंस बोला था, क्यों बोलते? लेकिन जितनी इम्पोर्टेंस आज के समाज में हमने और आपने दे ली है, उतनी इम्पोर्टेंस मीन्स उनके नज़र में और कोई दूसरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो कि योग है पूरा, जिसको हम लोग रेस्ट ऑफ द योग कह रहे हैं, वो पूरा योग ही है। लेकिन वो चूंकि हमारी आँखों से ओझल है, हमारी आँखों से जिस तरीके से ये ओझल है, नीचे का हिस्सा सिर्फ ऊपर का हमको दिखाई दे रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि शायद वो एक ऐसा टुकड़ा सा है, राइट? टाइटैनिक का जो कैप्टन था, मीन्स मूवी में ओरिजिनली उसको शूट किया गया था, जब ये हो गया कि मीन्स उसने उसको बताया कि सामने जो है वो हाँ मतलब ये है, उनकी लैंग्वेज में कुछ उसको कहते होंगे, तो उसने कहा कि हमारा ये जो जहाज़ है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसके पास जो है वो सेफ्टी के बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, हम इसको ऐसे ही फाड़ देंगे। ऊपर का दिख रहा है ना, खाली मामूली सा दिख रहा है, राइट? लेकिन जिस वक्त टकराया तो उस वक्त की स्टोरी सबको हमको आपको सबको मालूम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूँकि महर्षि पतंजलि की नज़र में और योगेश्वर श्री कृष्ण की नज़र में जो है वो रेस्ट ऑफ द योग पूरा का पूरा योग है, पूरा ऊपर से लेकर के यहाँ से पॉइंट से ऊपर से लेकर के और नीचे तक का पूरा योग उनकी नज़र में है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ड्यू जो राइट होना चाहिए था आसन प्राणायाम क्रिया मुद्रा वो उन्होंने दिया उसको, और बाकी जो है वो पूरा भगवद गीता और पूरी योग सूत्र पूरा उन्होंने जो है वो रेस्ट ऑफ द योग से भर दिया। आमतौर से ये दिमाग जाता नहीं है हम लोगों का कि महर्षि पतंजलि ने आसनों के बारे में क्यों नहीं बताया, राइट? क्योंकि हम योग इसी को समझते हैं बस, आसन प्राणायाम इतना ही, इस वजह से। या योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने क्यों नहीं बताया, राइट? रामचंद्र जी को माना जाता है कि बहुत ज़बरदस्त योगी थे, हनुमान जी को माना जाता है भारतीय संस्कृति में वो बहुत ज़बरदस्त योगी थे, हनुमान जी ने कितने आसन बताए आपको? नहीं बताए। मीन्स जो लोगों को भारतीय संस्कृति में जो लोग योग के नाम पर मशहूर हैं उन लोगों का नाम नहीं पता, मतलब सॉरी उनका नाम पता है लेकिन उनका उनके आसन उनके प्राणायाम उनके उनकी क्रियाएं उनकी मुद्राएं उनके एक्सप्लेनेशंस ये नहीं पता। और योग में आज की डेट में हमारे आपके समाज में योग के नाम पर जिनके नाम पता हैं वहाँ से जो है वो रेस्ट ऑफ द योग पूरा मिसिंग है, आसन प्राणायाम क्रिया मुद्रा उसकी पूरी की पूरी मीन्स भयंकर डेफिनेशन भयंकर उसका डेमोन्स्ट्रेशन सब कुछ आप अच्छा ले लो, राइट? जबकि महर्षि पतंजलि मेरा अपना मानना है पर्सनल, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं डिसएग्री भी कर सकते हैं, महर्षि पतंजलि और योगेश्वर श्री कृष्ण जी से ज़्यादा अच्छा कोई और नहीं हो सकता था जो आपको आसन को बहुत अच्छे से डिफाइन करता, प्राणायाम को बहुत अच्छे से डिफाइन करता, क्रिया को बहुत अच्छे से डिफाइन करता, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनकी नज़र में पूरा योग था। तो इसको हम लोग कह रहे हैं मायोपिक विजन ऑफ योग। मायोपिक विजन क्या है? सिर्फ आसन क्रिया मुद्रा बंदा इन्हीं को जो है वो समझना, इसके अलावा योग को कुछ और नहीं समझना। इसको लिख लीजिए आप अपनी भाषा में जल्दी से। हर बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिएगा, मैं आपको हर एक बात एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ तभी आपको समझ में आएगी। बात पुरानी करिए मगर करंट से शुरू करिएगा, करंट में कैसा चलता है योग के नाम पर, फिर ओरिजिनल कैसा है, फिर एग्जाम्पल हम लोग किसको जानते हैं, राइट? तो हम आइसबर्ग जानते हैं, हम माउंटेन्स जानते हैं, आप उनकी एग्जाम्पल ले सकते हो। महर्षि पतंजलि मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे ना कि अगर इतने ही इम्पोर्टेंट होते जितने हमारे समाज में ये इम्पोर्टेंट हैं आसन प्राणायाम, अगर इतने ही इम्पोर्टेंट होते तो महर्षि पतंजलि से अच्छा कौन था बताने वाला, फिर तो वो बताने चाहिए था ना उनको। हाँ वो जो नहीं दिखाई दे रहा वो महर्षि पतंजलि उस पर जोर दे रहे हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण उस पर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं ये है योग जो नीचे है। भाई असली आइसबर्ग तो नीचे है ना, ऊपर तो उसका रिप्रेजेंटेटिव है बस, राइट? अभी देखिए हमारा जो इस वक्त जो जिसको हम मतलब विजिबल पार्ट ऑफ योग या मायोपिक विजन ऑफ योग हमारा जो है उसको
मतलब मैंने अपना नाम दिया हुआ है उसको कमर्शलाइज्ड योग, आज की डेट में वो कमर्शियल योग है, मतलब आसन बेचा जा रहा है, क्रिया बेची जा रही है, मतलब मुझे टेक्निक आती है, अब मैं बेच रहा हूँ उसको, उसके बदले में मैं पैसे ले रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है उसमें, मैं बुरे सेंस में नहीं कह रहा भाई, कोई भी स्किल है आपके पास, आपके पास स्किल है तो आप, मेरे पास ये स्किल है तो मैं इसके भी पैसे ले रहा हूँ गवर्नमेंट से, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है नहीं, लेकिन टोटल इसको ही सिर्फ समझ लेना ये गलत है, ये मायोपिक विजन है। हाँ, कोई ये कहे कि आसन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, नहीं करेंगे तो हम अपनी बॉडी को अच्छा नहीं रख पाएंगे, और बॉडी अच्छी नहीं रह पाएगी तो रेस्ट ऑफ द योग जो है वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, अगर कोई ये कहता है तो इसका मतलब वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ है। दिस इज व्हाट द पतंजलि एंड योगेश्वर श्री कृष्ण जी इज सेइंग अबाउट, ठीक है नहीं, राइट। तो ये कमर्शलाइज्ड योग है, जब भी किसी भी चीज़ का बिजनेस होगा, जब भी किसी भी चीज़ का बिजनेस होगा तो कुछ लोग होंगे जिनको बहुत फायदा हो रहा होगा उससे, कुछ लोग होंगे जिनको बहुत फायदा हो रहा होगा, जो सारा प्रॉफिट ले रहे होंगे, राइट। और मेजॉरिटी जो होगी, मेजॉरिटी ऑफ द इंसानियत, मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी जो है वो मींस अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी तरस रही होगी किसी भी चीज की, एक्स वाई जेड, राइट। आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट भी इस सेंस में लेना, प्रॉफिट भी इस सेंस में लेना कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना भी नहीं दे रहे उसको। बिजनेस हाउसेज में कैसा होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, अगर कोई बिजनेसमैन अपने यहां काम कराए किसी से और उसको दिन के आखिर में वो उसको 750 रुपये देता है, फॉर एग्जाम्पल दिहाड़ी तय हो गई है 750 रुपये, अगर वो 500 का काम करके देता है दिन में तो कितने बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो उसको 750 रुपये तब भी देंगे, एक भी नहीं। अच्छा, अगर वो 750 लेता है और 750 का ही काम करके देता है तो भी नहीं, तो भी नहीं। अच्छा, उसने काम करके दिया 1000 का, उसने काम करके दिया, फॉर एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूं, 1000 का, अभी इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बस मोटे तौर पे दे रहा हूं, उसने किया 1000 का काम करके तो उसमें से उसने 750 रुपये उसको दिए, राइट और रॉन्ग, राइट। अच्छा, सवाल यह है कि वो 1000 रुपये थे किसके, बिजनेसमैन के थे या उसके थे जिसने मेहनत की थी, बिजनेसमैन के थे तो बिजनेसमैन खुद कर लेता 1000 रुपये का काम, 1000 रुपये का काम उससे कराया उसने, ओके फाइन, समझने की कोशिश करो, 1000 रुपये का काम उससे कराया, 1000 रुपये का काम उससे कराया तो उसको 1000 रुपये पे करना चाहिए था, 1000 रुपये उसको पे करना चाहिए था, 1000 रुपये उसको नहीं पे किए, उसको 750 पे किए, उसकी कमाई में से 250 ले गया। अच्छा, आपकी जेब में से अगर कोई 250 रुपये निकाल ले तो वावेले मचाते हैं ना, खत्म है फिर वो, राइट। तो मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि किसी भी चीज का जब भी बिजनेस होता है तो दूसरों का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये हम लोग मास्टर्स में आके पढ़ेंगे, योग का यही पार्ट हम लोग मास्टर्स में जाके पढ़ेंगे, जब भी बिजनेस होगा तो दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन होगा, राइट। दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तब आप अपनी बिजनेस से प्रॉफिट कमा पाएंगे, वो 250 उसने अपनी कंपनी में 1000 लोग लगा रखे थे तो उसने दिन के 25000 रुपये कमाए, उससे उसने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया, उसने उस 25000 में से अपने, उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी कंफर्ट की खरीदी, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आसन प्राणायाम ये सब कमर्शलाइज्ड हो गया है तो इसकी वजह से हुआ हो क्या रहा है, ये एक पॉइंट है बस बिजनेस का, उसकी वजह से हो क्या रहा है कि कुछ लोगों की तो ज़रूरतें मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा है उनके पास, उनको मालूम भी नहीं है कि उनके पास मीन्स फॉर एग्जांपल कितनी ज़मीनें हैं, कितने घर हैं, उनको पता भी नहीं है, राइट। इतने ज़्यादातर लोग वो हैं जो बेसिक नीड्स भी अपनी पूरी नहीं कर पा रहे, ज़्यादातर इस कमर्शलाइज्ड योग की वजह से ह्यूमैनिटी को ये नुकसान हो गया। अच्छा, अगर ये ओरिजिनल पूरा योग पता होता उनको तो क्या होता,
अगर ओरिजिनल योग पता होता तो ये ओरिजिनल योग जो है ये आपको और हमको, हमारे और आपके देश को विश्व गुरु बना देता। आज भी योग के अंदर, योग एज ए होल, योग नॉट विद मायोपिक विजन, योग एज ए होल, द योग विच महर्षि पतंजलि हैड टोल्ड अस, विच द योगेश्वर श्री कृष्ण हैड टोल्ड अस, वो योग की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो योग आज भी मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए, आपके जीवन में आ जाए, समाज में आ जाए आज भी, और गवर्नमेंट की उस पर पॉलिसीज बन जाएं, हम लोग मास्टर्स में उसके ऊपर भी बात करेंगे, यहाँ पे भी बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, मास्टर्स में बहुत एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे इसको, अगर कर जाए तो मैं नहीं समझता कि अगले 10 साल लगेंगे विश्व गुरु बनने में। लेकिन वो करने के लिए अंदर से बहुत मजबूत लोग चाहिए, मीन्स योग जो है वो आगे जो जिस तरीके की बातें करता है, क्या बात करता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा जितना भी है वो सब बाहर निकालो, जमा करके नहीं रखना है, अपरिग्रह, एक्स्ट्रा जमा करके नहीं रखना है, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बाहर सब। अच्छा, ये अब बड़ा मुश्किल काम है। आप दूसरों की मदद, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद सिर्फ वहीं तक करते हो जहाँ तक आपके दिल को घबराहट ना होने लगे। आपके पास 1,000 रुपये होते हैं तो 50 रुपये निकाल के दे देते हो, देखने वाला देखता है कहता है यार 50 दे दिए यार इसने, उसे असलियत पता ही नहीं है, उसके पास तो आइसबर्ग है, अंदर पता ही नहीं है उसने कितना दबा के रखा हुआ है। मैं जो बात कह रहा हूँ समझ में आ रही है ना, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नहीं, उसके पास तो एक्स्ट्रा आइसबर्ग की तरह बहुत सारा रखा था, उसमें से उसने 50 रुपये दिए हैं बस, और उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर यही वो 400 दे दे तो उसकी धड़कन बढ़नी शुरू हो जाएगी, यही वो अगर 1,000 दे दे तो उसके हथेली में पसीना आ जाएगा, यही अगर वो 900 दे दे तो उसकी गर्दन पीछे कॉलर पे पसीना आ जाएगा। कॉलर पे पसीना आना बहुत मुश्किल काम है, राइट? तो अब योग क्या कह रहा है, योग कह रहा है कि नहीं, अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, अब 1,000 बच गए, पूरे के पूरे 1,000 बाहर निकालो, पूरे 1,000 बाहर निकालो, जमा करके नहीं रखना आपको, इसीलिए तो श्री कृष्ण की बात नहीं मान रहे, इसीलिए तो पतंजलि की बात नहीं मान रहे। हाँ, अपने फायदे की जितनी भी है लाओ दे दो, लाओ दे दो, लाओ दे दो, उतने हिस्से की हम माने ले रहे हैं, आसन हाँ लाओ दे दो, प्राणायाम लाओ दे दो, क्रिया लाओ दे दो, राइट? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम जो है वो ओरिजिनल योग, ये मैंने नाम दिया इसको कमर्शियल योग और ओरिजिनल योग, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, राइट? अगर ये ओरिजिनल योग हमारा आ गया तो जितनी भी इंसानियत है उसकी जो भी मीन्स वो तरसेगी नहीं बेसिक नीड्स के लिए। बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट, मतलब इतना तो मिल ही जाना चाहिए ना सबको, लेकिन इतना बस वहीं तक मिलना चाहिए जहाँ तक घबराहट नहीं हो रही मुझको। जहाँ घबराहट शुरू हो गई फिर भाड़ में जाए तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ओरिजिनल जो योग है, ओरिजिनल योग, ओरिजिनल योग इज मीन्स टू सुप्रीम, टू सुप्रीम, समझे? मीन्स हमारी और आपके, और वो रूल है। हम लोग बात कर रही थी ना, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि योग जो है वो कब से शुरू हुए, जहाँ से कॉस्मोस बना, हम उसको बिग बैंग के नाम से जानते हैं, कल को हो सकता है साइंस उसका कुछ दूसरा नाम रख दे, तो हम तो ये कह रहे हैं कॉस्मोस जहाँ से शुरू हुआ था, राइट? तो वो बिग बैंग से साहब वहाँ से, अच्छा प्रिंसिपल्स वो हैं, प्रिंसिपल्स, मैंने कहा ना सारे प्रिंसिपल्स वो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया जितनी भी काम कर रही है, दुनिया की जितनी भी चीज़ें काम कर रही हैं वो सब अपरिग्रह पे काम कर रही हैं, सब योग पे काम कर रही हैं। अपने अंदर से शुरू करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे मालूम है आप में से कई लोगों को नींद आ रही होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, तो सब लोग अभी बोलना शुरू कर देंगे पक 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 कि वो पूरी बॉडी को एनर्जी देता है, ये देता है, वो देता है। ओके फाइन, इस डेफिनेशन में हम ये भूल जाते हैं कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एनर्जी की ज़रूरत होती होगी या नहीं? एग्जैक्टली, उसको भी तो होती होगी। अच्छा, उसको कौन देता है? उसको खुद वो देता है, वो काम ही उसका है, उसके अलावा किसी और का काम ही नहीं है ये,
तो पहले वो अपने को भी देता है और वो दूसरों को भी देता है, पूरी बॉडी को देता है। अच्छा, अब वो एनर्जी कितनी जनरेट करता है? क्या सिर्फ अपने लिए जनरेट करता है एनर्जी? नहीं, पहले अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है और उसके बाद जितनी बचती है वो दूसरे सेल्स को दे देता है, ले जाओ। मीन्स क्या है ये? इसको योगिक नियम में, इसको योगिक प्रिंसिपल्स में इसको बोलते हैं अपरिग्रह। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का प्रोडक्शन हो गया है तो उसको दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए दे दो। अच्छा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है, सारे सिस्टम हमारे ऐसे ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हार्ट है, हार्ट का काम अबे है ना पूरी बॉडी को ब्लड देना, राइट? हार्ट को कौन ब्लड देगा? तो हार्ट खुद देगा, राइट? हार्ट अपने अंदर जो भी ब्लड निकालता है तो पहले वो अपने लिए डालता है, फिर अपनी जरूरत जब उसकी पूरी हो जाती है तो पूरी बॉडी को दे देता है वो। मींस इसको योगिक प्रिंसिपल में महर्षि पतंजलि ने कहा है अपरिग्रह। अगर वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है उसके पास ब्लड का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन अगर वो रोक के रख ले, जैसे हम रोक के रख लेते हैं, 1000 रुपये रोक के रख लिए, तो क्या होगा? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अगर ब्लड नहीं निकला और वहीं का वहीं चिपका रह गया, कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, ये तो खतरनाक चीज है। तो अपरिग्रह ये तो हो ही नहीं सकता कि अपरिग्रह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी के लिए तो बहुत अच्छा है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, मगर जब आपके ऊपर बात आ जाए तो अब बुरा हो गया ये, अब ये नहीं करना हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि योगिक प्रिंसिपल पर पूरी दुनिया ऐसे ही काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सूरज 14 बिलियन साल हो गए, इसके अंदर कुछ हाइड्रोजन, कुछ एक आध गैस और, सूरज को अपने केमिकल रिएक्शंस चलाने के लिए हीट चाहिए, अपने केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए हीट चाहिए। वो हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसेस का अंदर रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो वो पूरी दुनिया को दे देता है, अपने पास नहीं रखता। अपरिग्रह मीन्स पूरे सारी दुनिया अपरिग्रह पे लगी हुई है, सारे प्रिंसिपल्स, मैंने कहा ना आपसे, बिग बैंग से जब से बनी है सब ऐसे ही लगे हुए हैं। जैसे ज़मीन पे आप पानी डालो, जिसको हम बोलते हैं ना ज़मीन बिल्कुल सूखी हो, तो आपका पानी आगे चला जाता है या वहीं गुड़प अंदर हो जाता है? वहीं चला जाता है। अच्छा, जैसे ही वो तृप्त हो जाती है, उसकी जैसी ज़रूरत पूरी हो जाती है, फ़ौरन पानी आगे बहा देती है वो, या तब भी ले लेती है, आगे बहा देती है, भैया मेरी ज़रूरत अब पूरी होगी तू ले ले। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं ऐसी कई सौ एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ पूरी दुनिया पे, आप भी गौर कर लो, पूरी दुनिया इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। बायोलॉजी, बॉटनी, प्लांट्स को शुगर चाहिए ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, शुगर चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है और बाकी जो है वो फल के रूप में आपके लिए लटका देता है कि भैया अब तुम ले लो। अच्छा, वो भी लटकाता है इस तरीके से है कि आपकी अप्रोच में कहीं हो, ले लो भैया तुम ले लो। अच्छा, अगर आप ना लो तो क्या वो वापस खींच लेता है? ना जी ना, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा है मेरे लिए, मैं तो दूसरी बना लूँगा अपने लिए, और वो दूसरी बना लेता है, हर 24 घंटे बनाता है। इंसानों के पास भी ऐसे ही कैपेसिटी है, सेम, बल्कि इंसान तो उससे ज़्यादा पावरफुल है और बहुत पावरफुल है, अनलिमिटेड पावर है, लेकिन उसके बावजूद वो बस उसको समझा दिया दिमाग ने कुछ, वो कैसे समझ गया उसको हम लोग आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि जब से कॉस्मोस बना है तब से कॉस्मोस, आप उसको ब्रह्मांड बोलो, ठीक है? नहीं, या जब से दुनिया बनी है, हमारे लिए तो यही दुनिया ही बहुत है। पुराने ज़माने के जो लोग थे, पुराना ज़माना मतलब 150-200 साल से पुराना जो लोग थे, उनके लिए तो यही दुनिया ही थी बस खाली, राइट? तो वो तो ये दुनिया की एग्जांपल लेते थे, लेकिन अब आपने देख लिया, दुनिया ने, साइंस ने देख लिया कि अरे यार ये दुनिया नहीं है, ये तो दुनिया बहुत छोटा सा हिस्सा है, राइट? अब तो पूरा ब्रह्मांड है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो है वो योगिक प्रिंसिपल्स अपरिग्रह के ऐसे ही काम कर रहे हैं, मीन्स और भी प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ आपसे ताकि बस समझ में आ जाए बात, राइट? तो योगिक प्रिंसिपल्स आपके जो रेस्ट ऑफ द योग है वो इतना स्ट्रांग है,
इतना स्ट्रांग है कि हमारे देश को अगले 10 साल नहीं लगेंगे, हम जो है वो वर्ल्ड लीडर हो जाएंगे। लेकिन उसको करने के लिए, उसको करने के लिए अंदर से दम चाहिए। वो हम लोग आगे भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी मायोपिक विजन है, सिंपल। ये हमारी आखिरी स्लाइड है। इंडियन कल्चर में दो तरह के योग माने जाते हैं, राइट? एक होता है डेमोनियक योग, दानवीय योग, दानवों का, और एक होता है गॉड्स योग, ब्रह्म योग, राइट? छांदोग्य उपनिषद जो है वो एक योग का बहुत इंपॉर्टेंट एक स्क्रिप्चर है। योग के 33 स्क्रिप्चर्स हैं, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कसौटी के, योग सूत्र और भगवद गीत। उसके अलावा 31 और हैं पब्लिश्ड, उनमें से एक जो है वो छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर जो है वो, छांदोग्य उपनिषद में दो कैरेक्टर्स हैं, इंद्र और विरोचना के नाम से। कौन कौन है? इंद्र और विरोचना, ये दोनों आपस में दोस्त हैं, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत डिस्कशन करते हैं हर चीज़ के ऊपर। एक बार ये लोग डिस्कशन करते करते इस पॉइंट पे आके रुक गए कि योग क्या होता है। कई दिन इन्होंने आपस में तबादला ख्याल किया, डिस्कशन किया, फैसला नहीं हो पाया कि योग होता क्या है। तो इन दोनों ने तय किया कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए। मैं स्टोरी को शॉर्ट कर रहा हूँ, डिटेल में स्टोरी है, बहुत लंबी, राइट? ब्रह्मा जी ने कहा कि योग, उन्होंने पूछा योग क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि योग, योग क्या होता है, योग कुछ नहीं होता, जाओ देखो जाकर के नदी में, तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो उन्होंने झांक के देखा, अच्छा आज के ज़माने की नदियाँ नहीं हैं, पोल्यूटेड, झाग निकल रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, राइट? वो नदी का डिस्क्रिप्शन भी आया है कि उनको वहाँ दिखाई दिया अपना बॉडी की शेडो दिखाई दी, इवन उनको अपने बॉडी के नाखून भी दिखाई दिए। नाखून अगर बढ़े हुए होंगे किसी के या नहीं होंगे, जितने भी होंगे तो नाखून भी दिखाई, इतना साफ पानी था, मतलब पानी की सफाई बता रहे हैं वो, राइट? तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि देखना झांक के, तुम्हें जो भी दिखाई दे वही योग है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये योग है, यानी कि बॉडी का शेडो दिखाई दे रही है ना, यानी कि बॉडी जो है ये योग है। विरोचना अलग चले गए, दोनों सेटिस्फाइड हो गए, और इंद्र अलग चले गए अपनी अपनी जगह पे। विरोचना ने बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को जो है वो तेज तर्रार करने के लिए बहुत सारे मेथड्स डिस्कवर किए, जिसको हम आसान क्रिया, प्राणायाम, बंदा, ये सब बोलते हैं ना, राइट? ये सब किया उन्होंने, इंद्र ने भी किया। लेकिन कुछ सालों के बाद इंद्र के जहन में एक बात आने लगी, और वो बात ये थी कि अगर यही योग है, शरीर ही अगर योग है, तो शरीर तो कभी बच्चा भी था ये, तो क्या योग भी कभी बच्चा होता है? कभी ये जवान भी हुआ है, कभी ये बूढ़ा भी हो जाएगा, कभी ये मर भी जाएगा, कभी इसका हाथ भी कट जाता है, कभी इसको जानवर भी खा लेता है। तो उन्होंने कहा क्या योग भी ऐसे ही होता है? तो ये सारे सवाल उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, राइट? तो इन्होंने कहा मैं ब्रह्मा जी के पास फिर जाता हूँ। इधर विरोचना ने क्या किया? विरोचना ने भी किया वही काम, बहुत एक्सपर्ट, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर सोचा नहीं। हुआ क्या उससे कि इनकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो गई, विरोचना की और उसके दूसरे जो स्टूडेंट्स थे, कई हज़ार की तादाद हो गई थी उनकी, बहुत बॉडी स्ट्रांग हो गई और माइंड उनका बहुत शार्प हो गया प्राणायाम कर करके। अच्छा, किसी की बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाए और माइंड बहुत शार्प हो जाए और उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाए, खतरनाक इंसान बन जाता है वो, मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर बन जाएगा वो। विरोचना के साथ और उसके साथियों के साथ यही हुआ कि बॉडी स्ट्रांग, इसका माल झपट, उसका माल झपट, बॉडी बहुत शार्प, बॉडी बहुत सपल, स्पीड बहुत तेज़, लेके भाग गए, लोग पकड़ ही नहीं पा रहे उनको। माइंड बहुत शार्प, देखते ही देखते बेवकूफ़ बना दिया, ठगियाई कर ली। मैं ये नहीं कह रहा आप सब विरोचना बैठे हो, राइट? तो विरोचना ने, मतलब जिसकी बॉडी ऐसी हो जाए और जिसका माइंड बहुत शार्प हो जाए तो वो यही सब हरकतें करेगा, राइट? दूसरी तरफ इंद्र जो है वो वापस ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से ने कहा कि अच्छा अब तुम सही टाइम पे आए हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ।
तो अगले जो हैं वो 600-700 साल वो और रहे इंद्रजी उनके साथ, और फिर उन्होंने योग के बारे में बहुत कुछ बताया, राइट। जब बताया तो उन्होंने आकर के समाज में प्रैक्टिस की, राइट। इंद्र को इंडियन कल्चर में आप मुझे बताओ दानव के रूप में मानते हैं या देवता के रूप में मानते हैं? दानव, सोच समझ के बोल, इनमें से कई खून कर देंगे तेरा, राइट। इंद्र को, इंद्र जी को देवता के रूप में मानते हैं और विरोचना को दानव के रूप में मानते हैं। विरोचना का नाम नहीं सुना होगा इसलिए मैंने आपसे वो सवाल भी नहीं पूछा। विरोचना को दानव के रूप में मानते हैं, राइट। देवता, देवता कहते हैं, देव कहते हैं देने वाला, देव कहते हैं देने वाला, राइट। इसीलिए ऊपर वाले को कहते हैं ना देव, देवो देवा, देने वालों का भी देने वाला। दुनिया में भी तो हो सकते हैं ना बहुत सारे देने वाले, लेकिन वो उनसे भी सबसे बड़ा देने वाला, तो उसको बोलते हैं ना देवो देवा, राइट। तो देवता मतलब देने वाला। तो इंद्र जो थे वो समाज को फायदा पहुंचाने वाले बन गए उसी योग से। उसी योग की मायोपिक विजन विरोचना जी के पास चली गई, तो उससे वो शैतान बन गए, उससे वो दानव के रूप में बन गए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मायोपिक विजन ऑफ योग जो है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं मायोपिक विजन में। रेस्ट ऑफ द योग नहीं आता, रेस्ट ऑफ द योग को जो है वो इंक्लूडिंग मायोपिक विजन, इंक्लूडिंग वो महर्षि पतंजलि ने और कृष्ण जी ने बताया है, राइट। और उसकी एग्जाम्पल हमको और आपको जो है वो भारतीय संस्कृति में छांदोग्य उपनिषद के अंदर पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है कि मायोपिक विजन अगर लेकर के चलोगे सिर्फ तो राक्षसी प्रवृत्ति की सोसाइटी बन जाएगी, और अगर जो है वो होल योग को लेकर के चलोगे तो आपकी सोसाइटी जो है वो देवता रूपी सोसाइटी हो जाएगी। यहाँ तक की बात आज हम लोग के डिस्कशन था, आगे हम लोग फिर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।